Welcome to Yassampat Educator. पहला नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट जो है कहां पर आया हुआ है कौन से राज्य के अंदर है ये चीज आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी थी सो करेक्ट आंसर इज अबाउट द तमिलनाडु ओके लेट अस अबाउट नेक्स्ट चेक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री इनेगुरेटेड द पोखरा पोखरा रीजन रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इट स्टैंड्स फॉर द पी आर आई ए ओके सो विद द सपोर्ट ऑफ चाइना तो ये चाइना के सपोर्ट के uh, थ्रू या उसके द्वारा या उसकी हेल्प के साथ साथ यहां पर ये जो एयरपोर्ट है कौन से देश के अंदर बनाया हुआ है ये चीज आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है इज ए क्लियर सो लेट अस स्टार्ट विद दी फर्स्ट न्यूज़ तो यहां पर जिस तरीके का आप लोग यहां पर देख रहे हैं फोटो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये एक्चुअली है तो है क्या ये चीज मैं आपको बता दूँ ये एक प्लास्टिक बैग है ठीक है अभी भी इस प्लास्टिक के बैग के अंदर क्या भरा हुआ है ये चीज़ भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे सो यहां पर सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान अर्ली कोर क्लोजर ऑफ मार्केट तो बाहर पाकिस्तान के अंदर इतना इकोनॉमिकल क्राइसिस फाइनेंशियल क्राइसिस यहां पर देखने को मिल सकता है सो पाकिस्तान वेडिंग होल्स टू सेव एनर्जी एज इट ग्रैपल्स विद इकोनॉमिक क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल करने के लिए यहाँ पे जो मार्केट्स हैं ऑलमोस्ट साढ़े आठ बजे के करीब करीब जो है शाम को बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिकल क्राइसिस तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी क्या हालात हो रहे हैं सो कैश क्लोजर ऑफ मार्केट्स वेडिंग होल्स टू सेव एनर्जी कैश्रेप पाकिस्तान अर्ली क्लोजर ऑफ मार्केट्स वेडिंग होल्स टू सेव एनर्जी हर जगह यहां पर यही चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है यहां पर जो एनर्जी कंजर्वेशन प्लान्स जो एनफोर्स किया गया और उसको अप्रूव किया गया पाकिस्तान के अंदर फेडरल कैबिनेट uh, के अंदर तो उसको इमीडिएटली अप्रूव किया गया था थर्ड जनवरी के अंदर उनका पहला फोकस यही है द मार्केट विल क्लोज बाय सेवन एट थर्टी पी एम एंड रेस्टोरेंट्स विल रेस्टोरेंट्स बाय टेन पी एम ओके सो दिस विल हेल्प सेव सिक्सटी बिलियन रुपीज़ ठीक है सिक्सटी बिलियन रुपीज़ जो है यहाँ पर सेव होंगे ऐसा यहाँ पर कहा गया है इज़ ए क्लियर उसके बाद यहाँ पर द uh, प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक टर्न्स इलेक्ट्रिक फैंस विल बी स्टॉप्ड एंड ऑन जुलाई फर्स्ट ठीक है यहाँ पर फर्स्ट जुलाई को इलेक्ट्रिक फैन जो है वो इन इन एफिशेंट इलेक्ट्रिक फैंस जो है उसको स्टॉप किया जाएगा उसका प्रोडक्शन उसके बाद यहाँ पर जो एडिशनल ड्यूटीज़ के तौर पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फैंस जो है या सेविंग uh, uh, 15 बिलियन रुपीज़ जो है उसके बारे में बताया गया है ठीक है अगर ये चीज़ हम लोग करेंगे तो हम लोग 15 बिलियन रुपीज़ और सेव करेंगे तो यहाँ पर कोस कटिंग की ही पूरी की पूरी बातचीत की जाइ जा रही है और ये ये जो कैंपेन है ये लॉन्च किया गया है ये पूरा का पूरा प्रिंटिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर सोशल मीडिया के अंदर यहाँ पर पब्लिक uh, की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एनर्जी कन्वर्जन प्लान के रिगार्डिंग ठीक है तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है आगे बात करते हैं यहाँ के जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम मैं आपको बताऊंगा शहबाज शरीफ मिनिस्टर डिपार्टमेंट बाई थर्टी परसेंट ठीक है तो ये चीज आप लोगों को समझनी है कि पाकिस्तान के हालात अभी है, है तो है क्या जिस, जिस तरीके से मैंने यहां पर आपको बताया था कि प्लास्टिक बैग में ये बच्चे क्या लेकर जा रहे हैं ठीक है तो प्लास्टिक बैग के अंदर यहाँ पर सिलेंडर में जो हमारा गैस रहता है वही लेकर जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिलेंडर जो है काफ़ी हद तक महंगे हो चुके हैं ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है सो ये जो बच्चे हैं प्लास्टिक बैग के अंदर यहाँ पर जो इथेनॉल गैस जो है वो फिलअप कर कर जाते हैं ये आप लोग देख सकते हैं इसे क्लियर आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में सो ने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़पेपर है थर्सडे का है फिफ्थ जनवरी टू और यह जो पहला आर्टिकल निकल कर आता है

इट्स ठीक है उसके बारे में बातचीत करेंगे तो यहां पर जो ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसके प्रोडक्शन के बारे में बातचीत की जा रही है तो आपकी एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली क्या है उसके बारे में जानना काफ़ी हद तक ज़रूरी है ठीक है सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन द पॉइंट्स ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन ओके सो सबसे पहली चीज़ ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हमें मिलता कैसे है तो सबसे पहली चीज़ यहां पर समझ लीजिए कि सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी ठीक है सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी जो है उसकी मदद से हमें एच टू ओ एच टू ओ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन uh, को हम लोग सेपरेट करेंगे किस में एच टू एंड ओ टू के अंदर इज़ ए क्लियर सो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइज़र जो एक प्रोसेस इलेक्ट्रिकल टूल है जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है और इसकी मदद से हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं और यहाँ पर जो हाइड्रोजन इकट्ठा हुआ है उस हाइड्रोजन को हम लोग इकट्ठा कर कर एक कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं ठीक है और बाद में हम लोग उसमें एविएशन के अंदर या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या शिपिंग के अंदर, के थ्रू यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर, कर यूज कर सकते हैं ये हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है सॉलिड फॉर्म में भी आपको मिल सकता है इज ए क्लियर तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर दैट इज मेन इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस दैट इज मेन प्रोसेस ओके ये चीज़ याद रखिएगा अभी यहां पर सबसे पहले चीज जान लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में सो so, हाइड्रोजन जो है अर्थ uh, के ऊपर ये एक एबेंट एलिमेंट के तौर पर यहां पर देखा जाता है फॉर uh, अक्लिन अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन ठीक है यहां पर एक अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन को हम लोग समझ सकते हैं हाइड्रोजन uh, के कुछ कुछ टाइप है ग्रे हाइड्रोजन है जैसे कि सोलर uh, एनर्जी और विंड एनर्जी की मदद से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन uh, को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये जो एनर्जी है सोलर एनर्जी विंड एनर्जी ये कौन सी एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी है सो इलेक्ट्रोलोसिस प्रोसेस कर, कर water के, water को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं आ... H2O को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं हाइड्रोजन एंड O2 के ज़रिए से और ये जो हाइड्रोजन इकट्ठा कर कर हम लोग फ्यूल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकसिटी जो है ये वाटर को स्प्लिट करती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर और बाय प्रोडक्ट हमें वाटर वेपर मिलता है और वाटर मिलता है ये चीज़ याद रखिएगा इफ यू टॉक अबाउट दी ब्राउन हाइड्रोजन तो जब भी हम लोग कोल को बर्न ब्राउन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस यूजिंग द कोल जब भी हम लोग कोल को बर्न करेंगे और तभी यहाँ पर जो इमिशंस होगा और जो एयर रिलीज होगी उसकी मदद से जो हाइड्रोजन मिलेगा सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन ओके आगे बात करते हैं ग्रे हाइड्रोजन के बारे में so, दोस्तों, क्या है? जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी भी तो होता है उसको हम लोग ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं आगे बात करते हैं ब्लू हाइड्रोजन के बारे में सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लू हाइड्रोजन सो ब्लू हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल गैस जब भी यहां पर इमिशन होता है नेचुरल गैस का और उसके बाद इमिशन उस को कैप्चर किया जाता है और कार्बन कैप्चर होता है और उसको स्टोर किया जाता है तभी जो हाइड्रोजन हमारे पास आता है उसको हम लोग ब्लू हाइड्रोजन के तौर पर जानते हैं ठीक है सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज अबाउट ओनली ग्रीन हाइड्रोजन पर ये हाइड्रोजन के टाइप जो है काफी हद तक इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं आगे बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ, आ, ग्री हाइड्रोजन है, है, मीथेन एंड कोल और कोल को बर्न करने से मिलता है ब्लू हाइड्रोजन मीथेन और कोल को बर्न करने से मिलता है ठीक है थोरस क्यों साइज तो जो है वो मीथेन को बंद करने से मिलता है एंड ग्रीन हाइड्रोजन जो है रिन्यूबल रीन्यूबल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हमें मिलता है ठीक है एस एम आर का यहाँ पर मतलब है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के हिसाब से कि ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली है तो क्या तो हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि रिन्यूबल एनर्जी से जो हाइड्रोजन को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की मदद से और इलेक्ट्रोलाइज इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से जो हम लोग सेपरेट करते हैं एच टू ओ को दो भागों में ठीक है एच टू को जब भी हम लोग दो भागुओं में सेपरेट करते हैं एच टू एंड ओ टू तो वहाँ से जो हमें हाइड्रोजन मिलता है उसी हाइड्रोजन को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं और बाई प्रोडक्ट हमें वाटर एंड वाटर वेपर मिलता है ठीक है ये हाइड्रोजन जो है एक एनर्जी कैरियर के तौर पर सामने आता है यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हम लोग बना इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिसिटी बाई द फ्यूल सेल्स हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूल सेल्स के तौर पर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के थ्रू जब हम लोग हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स मिक्सिंग करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं सो इट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिलीवरिंग जीरो इमिशन ट्रांसपोर्ट में भी ये ग्रीन हाइड्रोजन यूज होता है ठीक है यहां पर हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पर काफी तक इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि ये सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है यहां पर ये आराम से अवेलेबल हमें uh, मिल सकता है ये उसके जो एलिमेंट है uh, अर्थ के ऊपर अवेलेबल है तो ये आराम से uh, अवेलेबल हो सकते हैं यहां पर ये फ्यूल की कंपेरिजन की जाए तो ये एक एफिशियंट फ्यूल माना जा सकता है ठीक है यहाँ पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि इनकी एफिशिएंसी जो है ये काफ़ी हद तक ज़्यादा है और यहाँ पर ज़ीरो एमिशन ऑपरेशन के तौर पर ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल सकती है जो आ... उसके पास पोटेंशियल है ग्रीन हाउस गैस के रिड्यूस करने का ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर अर्थ के अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये आ, 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 आराम से मिल सकता है पर एक चैलेंज यही है कि हमें एच को दो भागों में हाइड्रोजन एंड ओ के भागों में सेपरेट करना पड़ता है ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा सो इफेक्टिव इफिशेंट फ्यूल एंड इफेक्टिव फ्यूल होने की वजह यही है कि uh, उसके ऊपर उसके पास हाइड्रोजन के पास थ्री टाइम्स मोर एनर्जी हाइड्रोजन हैज़ ए थ्री टाइम्स मोर एनर्जी ऑफ द दिल फ्यूल फोसाइल फ्यूल के अंदर जितनी एनर्जी है उससे तीन गुना एनर्जी किसके पास है दोस्तों हाइड्रोजन के पास है ये चीज याद रखिएगा ठीक है आगे बात करते हैं कि उसके चैलेंजेस क्या है अगर किसी भी पहलू का अगर पॉजिटिव पॉइंट होगा तो उसका कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होगा सो so यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन के कुछ चैलेंजेस हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है दोस्तों उसकी ज्यादा है ठीक है सो मेजोरिटी ऑफ लो कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर लोकेटेड फार फ्रॉम फार फ्रॉम पोटेंशियल डिमांड सेंटर जहां पर अभी समझ लीजिए कि मुझे विंड एनर्जी चाहिए ठीक है अगर मुझे सोलर एनर्जी चाहिए तो ऐसी जगह पर सोलर एनर्जी मिल सकती है या विंड एनर्जी मिल सकती है जहां पर खुली जगह हो फार्म हो ठीक है और वहां से अगर हम लोग पूरा का पूरा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो प्रोडक्शन में लगाते हैं हाइड्रोजन के ग्रीन हाइड्रोजन के तो वहां से जहां पर मेरी डिमांड है ग्रीन हाइड्रोजन एज फ्यू, ए फ्यूल के हिसाब से तो उनके बीच का फासला जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन पिक्चर में आता है अगर ट्रांसपोर्टेशन पिक्चर में आया तो कोस्ट आएगी पिक्चर में सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्लांट टू डिमांड सेंटर राइजेस इसकी वजह से उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाती है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी यहाँ पर देखा जाए तो एलिमेंट तो हाजिर है हाइड्रोजन के पर उसको सेपरेट करना जो है वो कॉस्टली हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सो टेक्नोलॉजी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेज एंड इज कॉस्टली ओके तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है अगर स्टोरेज की बात करूँ तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्रोडक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्शन करने के बाद उसको हमें स्टोर करना होगा सो so स्टोरेज रिलेटेड इश्यूज जैसे कि एक्सटर्नल एनर्जी एनर्जी सोर्स इज रिक्वायर्ड टू आइसोलेट हाइड्रोजन हाइड्रोजन बाहर इमिट ना हो जाए या बाहर लीक ना हो जाए उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लाना होगा जो हाइड्रोजन के आसपास बाउंड्री लगा सके या आइसोलेट कर सके हाइड्रोजन की गैसेस को ठीक है सो इट डज़ नॉट अकर नेचुरली एज अ गैस ऑन दी अर्थ ठीक है यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऐसा हो uh, हमें uh, लाना ही होगा कि एच टू ओ के एलिमेंट जो है उसको हम लोग स्टोर कर सके लो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि लो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर यहां पर इलेक्ट्रोलाइजर का ही पहले प्रोडक्शन uh, कम हो रहा है ठीक है अगर इलेक्ट्रोलाइजर ही कम होंगे तो इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस भी कम होगी और इसकी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन भी कम हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे ठीक है ये चीज याद रखेगा सो नो मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स ये चीज याद रखेगा तो दोस्तों यहां पर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो भारत देश के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर की डिमांड है पर यहां पर सप्लाई नहीं है तो आप सप्लाई कर सकते हैं ठीक है थीके? आगे बात करते हैं लिमिटेड टेक्नोलॉजी फॉर कंप्रेसिंग एंड स्टोरिंग हाइड्रोजन फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ऐसी कोई आ, अभी तक नहीं आए जो हाइड्रोजन फ्यूल्स को यहां पर टैकल कर सके और उसकी मदद से चल सके सो देर आर देर आर देर आर बट लिमिटेड टेक्नोलॉजी ओके ये चीज याद रखिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दी कलर कोडिंग वार्निंग बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो आगे जो आर्टिकल आए आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा ग्रह होंगे ठीक है समझ गए होंगे और उसके बारे में अभी आगे जो यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिल सकता है दिस वन ऑरेंज एलर्ट इश्यूड एज ए सिटी लॉन्ग सीजन लोएस्ट एट फोर्टी फोर पॉइंट फोर्टी फोर पॉइंट फोर डिग्री सेंटीग्रेड ओके सो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली को यहाँ पर ऑरेंज एलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि दिल्ली के अंदर काफी तक ठंड है बिकॉज ऑफ़ दिस पर्टिकुलर पॉल्यूशन तो यहाँ पर फॉग का माहौल सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है सो मेकिंग द नेशनल कैपिटल कोल्डर दैन द धर्मशाला अगर देखा जाए तो धर्मशाला नैनीताल देहरादून ये सारे के सारे दोस्तों हिल स्टेशन हैं जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होनी चाहिए पर एक्चुअली उनसे ज़्यादा ठंडी दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है इसकी वजह से यहाँ पर उसको ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है ठीक है अभी यहाँ आप पर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जाननी जरूरी है कि ऑरेंज अलर्ट एक्चुअली है तो है क्या इज क्लियर सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर कोडिंग एंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑरेंज अलर्ट ओके सो so, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इस कलर कोड को यहाँ पर डिक्लेयर करता है उसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे तो सबसे सब पहली चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि न्यूज़ क्या है सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इश्यू कर दिया था कि येलो वेदर वार्निंग फॉर हैवी रेन एंड स्नोफॉल इन हिमाचल प्रदेश उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो ऑरेंज अलर्ट है ठीक है वो डिक्लेयर कर दिया गया था दिल्ली के लिए तो कोलर कोड वेदर वार्निंग जो है आई देती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये चीज़ याद रखिएगा okay so uh, it is issued by the imd उनका यही ऑब्जेक्ट है कि इज़ टू अलर्ट पीपल पीपल को अलर्ट देना कि ये जो वेदर है या सी जो ये जो वेदर है आपके आसपास का ये काफ़ी हद तक हैजार्डियस है या तो सीवियर है जो आपकी पोटेंशियल को डैमेज कर सकता है और यहाँ पर आपकी जो लाइफ है या जिंदगी जो है उसको डेंजर में डाल सकता है ठीक है सो दैट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ठीक है यहाँ पर जो वार्निंग है उसको डेली अपडेट किया जाता है यहाँ पर आई ने चार कलर को कोड किया है ये चीज़ याद रखिएगा सो ग्रीन इसका मतलब होता है ऑल इज वेल ठीक है नो एडवाइजरी इज इश्यूड तो ये चीज याद रखेगा ग्रीन यानी कि ऑल इज वेल ठीक है ग्रीन यानी ऑल इज वेल उसके बाद आता है एल येलो तो थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है बी अवेयर ठीक है सेवरल बैड एज कंपेयर टू द ग्रीन ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा सो वेदर स्पेनिंग अक्रॉस सेवरल डेज इट इज ऑल्सो सजेस्ट दैट द वेदर कूड चेंजड फॉर द वर्स कॉजिंग डिस्क्रिप्शन इन डे टू डे एक्टिविटीज तो थोड़ा हमें अवेयर होने की जरूरत है जैसे जैसे यहां पर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो तो यहां पर अवेयरनेस या ध्यान रखने की जो आ, हमारी जो जिंदगी है उसको ध्यान रखने की हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी ये चीज़ याद रखिएगा ऑरेंज एलर्ट का मतलब ये होता है कि एक्सट्रीमली बैड वेदर ठीक है एक्सट्रीमली बैड वेदर जो दिल्ली के अंदर यहाँ पर लाया गया है और इसका मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड ठीक है उसमें था बी अवेयर उसके बाद आया बी प्रिपेयर्ड इज़ ए क्लियर सो यहाँ पर डिस्ट्रिप्यूशन इन कम्यूट विथ रोड एंड रेल क्लोजर्स एंड इंटरप्शन ऑफ पावर सप्लाई ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताया गया ऑरेंज अलर्ट के अंदर ठीक है रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है कि हैव टू टेक सम पर्टिकुलर एक्शन रिगार्डिंग वेदर ठीक है एक्सट्रीमली बैड वेदर कंडीशनलीवर ऑल्सो लाइफ का सबसे ज्यादा खतरा वहां पर रेड अलर्ट के अंदर होता है इसलिए जब situation आती है तो आई के हिसाब से यहां पर रेड एलर्ट जो है जारी, जारी किया जाता है ये चीज याद रखेगा आगे बात करते हैं कि आई एम डी यहां पर यूपीएससी दो हजार बाईस के अंदर यूपीएससी दो हजार बाईस के अंदर मेन्स के अंदर यह क्वेश्चन पूछ पूछा गया था रिगार्डिंग दी आई एम डी और उन, वो कौन कौन से कलर जो है कोड करती है उसके बारे में क्वेश्चन में बताऊं मैं तो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एटीन सेवन के अंदर एंड इट इज एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो ये एक प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मेट्रोलॉजिकल वेदर फोरकास्टिंग के लिए ओके एंड सिस्मोलॉजी सिस्मोलॉजी का मतलब यही होता है कि जब भी लोग अर्थक्वेक की जब भी जानकारी या अर्थक्वेक के रिगार्डिंग जो भी स्टडी करते हैं तो वो सारा का सारा सिस्मोलॉजी के अंदर आता है और जो अर्थक्वेक को हम लोग मेजर करते हैं वो सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं ठीक है ये चीज याद रखिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में आई होप सो ये आर्टिकल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे सो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सी विच आर्टिकल वी हैव राइट नाउ yes this one so साइलेंट वैली बर्ड स्पाइसीज नंबर गोज अप टू वन सेवेंटी फाइव ठीक है तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है दोस्तों केरला के अंदर आया हुआ है तो यहां पर एक न्यूज निकल कर आई है कि यहां पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंदर जो बर्ड्स की स्पाइसिस जो थे वन से, वो करीब करीब वन सेवेंटी फाइव के करीब करीब बढ़ चुकी है ठीक है सो ब्राउन वुड ऑल बैंडेड बेग कोको मालाबार वुड श्राइक वाइट थ्रोटेड किंग फिशर इंडियन नाइट नाइट जार जंगल नाइट जार एंड लार्ज कोकर

नई तो नई जो स्पीसीज है यहां पर उसका मैंने आप लोगों को नाम बता दिया कि नई नई स्पीसीज कौन से स्पोर्ट की गई है सो साइलेंट वैली कहाँ पर है यहां पर आप समझ सकते हैं ये है केरला स्टेट ठीक है केरला के बाजू में है यह तमिलनाडु तो केरला और तमिलनाडु के बीच में ये जो इलाका है सो दैट इज अबाउट दी साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो यहां पर आप येल्लो कलर का इलाका जो देख सकते हैं ठीक है आगे बात करते हैं कि साइलेंट वैली के बारे में तो यहाँ पर साइलेंट वैली जो है ये एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर है एक बायोडाइवर्सिटी के लिए बनाया गया है और ये केरला जो भारत के अंदर एक राज्य है उसके अंदर ये लोकेटेड है सो साइलेंट वैली रीजन इज़ लोकली नॉन एज़ दिस पर्टिकुलर वन साइलेंट वैली ओके ये चीज़ याद रखिएगा नाइनटीन के अंदर यहाँ पर साइलेंट वैली का जो इलाका है उसको रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पर डिक्लेयर किया गया था साइलेंट वैली मूवमेंट चलाई गई थी साइलेंट वैली मूवमेंट की अगर मैं बात So plans for the hydroelectric project that threaten the park's reach. एंड यूनिक वाइल्ड लाइफ स्टिमुलेटेड एंड एनवाइ एनवायरमेंटलिस्ड सोशल मूवमेंट इन द नाइनटीन सेवनटीन सो विच रिजल्टडेड इन द कैंसिलेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चलाने वाले थे वो हाइड्रोल्ट्रिक प्रोजेक्ट चलाने वाले थे और अगर वहाँ पर साइलेंट वैली के अंदर अगर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलाते तो थोड़ा बहुत नुकसान थोड़ा बहुत तो जाने दो नुकसान तो होता ही होता क्योंकि डेवलपमेंट का और यहाँ पर हमें डेवलपमेंट के साथ साथ हमें नेचर को भी बैलेंस करना होता है सो so, वहाँ पर पार्क की जो रिचनेस है है या उसके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या तो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उसकी यूनिकनेस को यहां पर हैजार्डियस था था उसको थ्रेट और ये इसकी वजह से यहाँ पर environmentalist यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट ने सोशल मूवमेंट के तौर पर इस मुहिम को चलाया था नाइनटीन के अंदर और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को कैंसिल भी कर दिया गया था ठीक है नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर किया गया था नाइनटीन के अंदर यह चीज याद रखिएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क की अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो ये पूरा का पूरा पार्क जो है नीलगिरी हिल्स के अंदर लोकेटेड है यह चीज याद रखिएगा एंड कोर ऑफ द नीलगिरी सो दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर रिजर्व ठीक है यहाँ पर आ, आ, ये नीलगिरी हिल्स के अंदर ये पूरी की पूरी जो नीलगिरी हिल्स है नीलगिरी बायोस्फे रिजर्व के अंदर सिचुएटेड है ऐसा हम लोग कह सकते हैं सो इट इज़ वन ऑफ द लास्ट अनडिस्टर्बेड ट्रैक्स ऑफ साउथन साउथ वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर इंडिया यहाँ पर साइलेंट वैली के अंदर लायन टेल्ड मैकस की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है सो होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द लायन टेल्ड मेस्कस एंड ऑफ़ प्रीमेट, ओके रिवर कुंथी डिसेंड फ्रॉम नीलगिरी एंड ट्रांस दीलगिज एंटायर लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वैली ठीक है सो दैट इज कॉल्ड कॉल वैली नेशनल पार्क आगे बात करते हैं uh, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर थमने देखा था उस हिसाब से इन भाई साहब के बारे में डिस्कस करेंगे मोहम्मद इकबाल जी ठीक है आइए उसका आर्टिकल कहाँ पर है इसके बारे में देख लेते हैं आई होप सो ये आर्टिकल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा सो लेट अस डिस्कस अबाउट दी नेक्स्ट आर्टिकल

डिसंबर 1992 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा सो विच इंस्टीट्यूटेड पंचायत एंड म्यूनसिपल्टीज रिस्पेक्टिवली तो यहाँ पर पंचायत और यूनिसिपाल्टीज को लागू किया गया सो so, यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की वैल्यू है ऐसा यहाँ पर कहना है ऑथर का ठीक है सो so, सबसे सब पहले चीज यहां पर समझ लीजिए कि भारत के अंदर थ्री टायर जो है गवर्नमेंट चलती है जैसे कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है और उसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के अंदर आती है म्यूनसिपालिटीज एंड पंचायत आती है ठीक है ये है राज्य सरकार और ये है केंद्र सरकार ठीक है ये चीज़ समझनी है अगर मैं यहां पर पंचायत के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर आ जाती है विलेजेज है ब्लॉक है डिस्ट्रिक्ट लेवल है और म्यूनसिपालीज के अंदर आती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूंसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत ठीक है तो ये चीज़ याद रखेगा और हर एक रीजियन के अंदर म्यूनिसपालीज जो है होती ही है होती है सो दैट इज कॉल द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नेंस इन द फेडरल फ्रेमवर्क थ्रू दी वॉल्यूशन ऑफ फंक्शंस फंड एंड द फंक्शनरीज टू द लोकल गवर्नमेंट ओवर हीयर ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा कहा गया है कि सेल्फ गवर्नेंस जो है काफी तक जरूरी है यहां पर कभी कभार जो है राज्य सरकार की वजह से यहां पर लोकल गवर्नमेंट अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है ठीक है ये चीज़ भी आप लोगों को समझना है सो so यहां पर जो भी ट्राइब्स रहती है या जो भी लोग रहते हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं लोकल गवर्नमेंट से ठीक है तो इसके लिए अगर लोकल गवर्नमेंट अगर कुछ कामकाज नहीं करेगी बेसिक नीड्स जैसे है सिटीजनशिप की जैसे कि वाटर सप्लाई करना फुटपाथ बनाना ठीक है तो ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए लोकल गवर्नमेंट जो है काफी हद तक जरूरी मानी जाती है सो हाउ एवर एज वी सेलिब्रेट द थर्टीन एनिवर्सरी ऑफ दिस रिफॉर्म इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आस्क फंडामेंटल क्वेश्चन वाई शुड लोकल गवर्नमेंट्स बी एम्पावर्ड हमें क्यों लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए वाई आर दे वीक डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हाउ कैन द आइडिया ऑफ लोकल सर गवर्नेंस बी रिवाइव ठीक है तो यहां पर आप लोगों को ये चीज़ समझनी है यहाँ पर नॉर्मेटिव बेसिस ऑफ लोकल सर गवर्नमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि लोकल सर गवर्नमेंट जो है काफी हद तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म करने के लिए या हमारे जो समाज है उसको अच्छी तरीके से चलाने के लिए ठीक है तो उसके बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कशन किया गया है और लोकल गवर्नमेंट्स एंड फेडरलिजम्स के बारे में भी यहां पर बताया गया है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट ओवर हीयर ठीक है सो आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से डिटेल में समझ चुके होंगे सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में यस दिस वन जैसे मैंने यहां पर कहा था कि जो थंबनेल आप लोगों ने देखा है मोहम्मद इकबाल अ अपॉयट फॉर ऑल एजेस इस आर्टिकल को आप जीएस नंबर पेपर जीएस पेपर नंबर वन आईएमपी एम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से आप रिलेट कर सकते हैं सो so, मोहम्मद इकबाल जी जो है uh, uh, वो ये पाकिस्तान के स्पिरिचुअल फादर के हिसाब से माने जाते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान को सेपरेट करने में उनका अच्छा खासा रोल भी था ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे और देख, सुनेंगे भी ठीक है तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देख लीजिए ये है मोहम्मद इकबाल जी उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो उनका जो बर्थ हुआ था 1877 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1938 के अंदर ठीक है सो वाइडली नॉन एज आलम इकबाल ये एक पोएट फिलोसोफर जो थे जो एक सेल्फ हुड एंड डेल्ट विद द इंटलेक्चुअल एंड कल्चरल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ़ द इस्लामिक वर्ल्ड को ये प्रमोट करते थे यहाँ पर ही इज़ बेस्ट नॉन फॉर दर्दू वर्क ठीक है उर्दू वर्ड्स के लिए काफ़ी हद तक की हद तक ये जाने माने जाते थे सो आर दी कॉल ऑफ द मार्शिंग बेल ग्रेबल विंग द रोड ऑफ मॉसज एंड द पार्ट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम दी हीजाज ओके तो ये चीज़ याद रखेगा सारे जहाँ से अच्छा फॉर्मली नॉन एज दरना ए हिंद तरना है हिंद जो उन्होंने उर्दू लैंग्वेज के अंदर यही पेट्रोटिक सॉन्ग जो है लिखा था चिल्ड्रन के लिए फॉर द चिल्ड्रन एंड रिटर्न बाय ट मोहम्मद इकबाल ओके इन दी गजल स्टाइल ऑफ उर्दू पोएट्री उर्दू पोए था ए हिंद ये चीज़ याद रखेगा सो so, यह जो पोएम पब्लिश हुई थी नाइनटीन जीरो फोर के अंदर पब्लिश हुई थी यह चीज याद रखिएगा पाकिस्तान मूवमेंट को क्रिएट करने में उनका रोल क्या था यह चीज समझ लीजिए एक सो ही इज वाइडली रिगार्डेड एज ए हैविंग इंस्पायर द पाकिस्तान मूवमेंट इज कॉल्ड द स्पिरिचुलर ऑफ पाकिस्तान समझ लीजिएगा 1930 के अंदर ट्वेंटी सीजन जब भी चल रहा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अलाहाबाद के अंदर तभी यहाँ पर उन्होंने एक फेमस प्रेसिडेंशियल स्पीच दी थी और उसको दिया गया था नाम अलाहाबाद एड्रेस ठीक है सो दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज दी अलाहाबाद एड्रेस इन विच इन विच ही पोस्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ मुस्लिम स्टेट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ठीक है नॉर्थ वेस्ट इंडिया अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये यहाँ पर देख लीजिए ये नॉर्थ ये है वेस्ट यह है ईस्ट और यह है साउथ सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि पाकिस्तान का इलाका अभी जो है ठीक है चीज समझ लीजिए तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के को यहां पर डिक्लेयर करने के लिए क्रिएशन करने के लिए बताया गया था कि मुस्लिम स्टेट के पर पर हमें क्रिएट करना चाहिए उसके बाद यहां पर उनका जो सपना था ये ये मोहम्मद अली ने पूरा किया चीज भी याद रख लीजिएगाइट ऑफ so, uh, okay? so, पाकिस्तान ठीक है पाकिस्तानियों ने यहां पर या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यहां पर उनका जो नाम दिया है उनको जो नाम दिया है वो दिया है नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान इज ए क्लियर आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में आई होप सो आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मोहम्मद इकबाल ठीक है स्पिरिचुअल फादर ऑफ़ पाकिस्तान या नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान आगे बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में सो so दोस्तों जली कट्टू आर्टिकल जो है काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है आए दिन कहीं ना कहीं उसकी न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल ही सकती है सो कल्चरल प्रैक्टिस और क्रियलिटी यहाँ पर सवाल है कि ये एक कल्चरल प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग इसको देखें या यहाँ पर जो एनिमल्स के ऊपर ये क्रूरता की जा रही है या उसको जो तंग किया जा रहा है उस हिसाब से हम लोग देखें ठीक है so, सो जलीकट्टू यहां पर अगर उसके बारे में बात करें तो यहां पर जो तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जल्लिकट्टू एक्ट 2009 एंड 2014 के अंदर लाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को कोश किया ठीक है ये चीज याद रखिएगा सो वॉट हैज बिन द स्टैंड फॉर द गवर्नमेंट ऑन जलीकट्टू कैन द इवेंट बी रिकॉग्नाइज एज अ कलेक्टिव कल्चरल एंड ट्रेडिशनल राइट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ तमिलना डू तो सारा का सारा डिस्कशन आज हम लोग इस आर्टिकल के अंदर करेंगे सो ट्यून विथ हस सो इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रिकमेंशनिंग किया इस तरीके के जो वर्क के रिगार्डिंग सो आफ्टर दिन विंटर वेकेशन ओके

the bench which reserved its judgment on december 8 and is expected to give its ruling next week okay. जलीकट्टु के बारे में अभी कोर्ट क्या आ, आगे मुकदमा चलाकर जो क्या आंसर देती है उसके बारे में आज हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे पर जब भी जब भी न्यूज़ उसके रिगार्डिंग आएगी फिर से एक बार डिस्कस करेंगे पर इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू रिमेंबर दैट एंड यू हैव टू नो अबाउट दी जलीकट्टू ठीक है तो दोस्तों जलीकट्टू जो एक ट्रेडिशनल गेम मानी जाती है तमिलनाडु की ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बुल जो है दौड़ रहा है और उनको कंट्रोल करने के लिए ये आदमी उसके पीछे लग रहा है

फॉर ए प्राइज इफ दे फेल द बुल ऑनर विन द प्राइज ठीक है बुल ऑनर विन द प्राइज एरिया ऑफ स्पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये लोकप्रिय कहाँ कहाँ पर है मदुराई के अंदर तिरुचिपल्ली के अंदर थेनी के अंदर पुडुकोट्टाई के अंदर दिन दुगुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्स है ठीक है उधर यहाँ पर उसको नाम दिया गया जली कट्टू बेल्ट ठीक है ये चीज याद रखिएगा सो टाइम ऑफ इवेंट ये कभी आ, मनाया जाता है तो जनवरी के सेकेंड वीक के दौरान जब भी तमिल हार्वेस्ट या पोंगल जब भी रहता है तभी इस आ, आ, स्पोर्ट को मनाया जाता है ठीक है आगे बात करते हैं उनका तमिल आ, कल्चर के अंदर इनका क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है सो जली कट्टू कंसिडर्ड एज ए ट्रेडिशनल वे ऑफ फॉर द पीजेंट कम्युनिटी पीजेंट कम्युनिटी टू प्रिजर्व देयर प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स के लिए यहाँ पर उसको ट्रेडिशन में लाया गया था ठीक है सो प्रोटेक्ट दिस मेल्स एनिमेल हाँ सो एट अ टाइम वैन कैटल ब्रीडिंग इज ऑफन एन आर्टिफिशियल प्रोसेस कंजर्वेशनिज एंड पिजेंट्स आर यू दैट जलीकटू इज वे टू प्रोटेक्ट दस मेल एनिमल्स विच आर अदरवाइज यूज ओनली फॉर मीट इफ नॉट फॉर प्लफिंग ठीक है उसको सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए यूज़ किया जाएगा प्लफिंग के लिए नहीं ठीक है सो so, कंगयाम पिलुकुलम उम्बल चेरी बरगूर माली मड्डू आर अमॉन्ग दी पॉपुलर नेटिव कैटल ब्रीड्स यूज फॉर दली कट्टु तो ये कैटल ब्रीड है जो जलीकट्टु के लिए यूज की जाती है एंड ब्रीड्स कमांड रिस्पेक्ट द लोकली ठीक है कुछ जलीकट्टु के लिए कुछ लीगल इंटरवेंशनस भी है सो दो हजार ग्यारह के अंदर यहाँ पर सेंटर ने बुल्स को एड किया था रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ एनिमल्स हुज ट्रेनिंग एंड एग्जिबिशंस इन दी प्रोहिबिटेड ओके दो हज़ार चौदह के यहां पर लीगल इंटरवेशन के तौर पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बुल टैमिंग स्पोर्ट को बैन किया था रूलिंग ऑन पिटिशन दैट द 2011 नोटिफिकेशन ये चीज याद रखना है करंट लीगल रिगार्डिंग दी तो यहां पर राज्य सरकार ने भी uh, इस राज्य सरकार ने इस इवेंट को लीगलाइज किया ये चीज़ समझ लीजिए सो विच हैज बीन चैलेंज इन दी कोर्ट अभी कोर्ट के लिए ये चीज़ चैलेंज के तौर पर सामने आती है कि 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फिर से जलीकट्टू केस को रिफर किया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई और यहाँ पर वापस से इस चीज को पेंडिंग में लगा दिया ठीक है सो वैर इट इज ऑल्सो पेंडिंग नाउ ठीक है अभी आगे देखते हैं होता है क्या कॉन्फ्लिक्ट टू बी रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी ठीक है सो सबसे पहली चीज़ झलीकट्टु ट्रेडिशन केम बी प्रोटेक्टेड एज ए कल्चरल राइट ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु ठीक है ये भारतीय देश के अंदर भारत के अंदर भारतीयों का जो कल्चरल राइट right होता है उसको यहाँ पर आ, मनाने की आज़ादी होती है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट सो ये उनका कल्चरल राइट right है सिमिलरली तो तमिलनाडु का भी कल्चरल राइट right होगा आर्टिकल नंबर ट्वेंटी नाइन क्लोज वन ए अगेंस्ट राइट्स ऑफ एनिमल्स ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा आर्टिकल नंबर ट्वेंटी नाइन वन ए यहाँ पर कहा गया है कि एनी सेंक्शंस ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरेटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ़ हैविंग अ डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ़ इट्स ओन शेल हैव द राइट टू तो कंजर्व चीज़ याद रखनी है कि आर्टिकल ट्वेंटी नाइन क्लोज वन जो, वन जो है वो क्या कह रहा है इस तरीके के स्पोर्ट सिमिलर स्पोर्ट जो है कौन कौन से अभी राज्य के अंदर है और उनको क्या कहा जाता है आइए देखते हैं सॉरी <coughs> कर्नाटक के अंदर इस तरीके के जो लॉ है वो पास किए गए थे और सिमिलर स्पोर्ट्स को यहाँ पर कम्बाला कहा जाता है ये चीज़ याद रखेगा सो एक्सेप्ट इन तमिलनाडु एंड कर्नाटक वे आर बुल टैमिंग एंड रेसिंग कंटिन्यू टू बी ऑर्गेनाइज ये चीज याद रखेगा सो दिस स्पोर्ट्स रिमेन बैंड इन ऑल अदर स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर होना चाहिए पंजाब के अंदर महाराष्ट्र के अंदर होना चाहिए ड्यू टू टू ड्यू टू द 2014 बैन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक है ये चीज़ समझना है आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल जो जल्दी कटु वाला था अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे लेटस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन वाई हैज हायर हाई पावर लद्दाख कमिटी बैन कमिटी बिन फॉर्म्ड ठीक है तो यहाँ पर भाई साहब लद्दाख को सिक्स शेड्यूल के अंदर जाने की डिमांड की जा रही है यह चीज़ समझना है कि भारत के संविधान के अंदर जो सिक्स शेड्यूल है उसके अंदर उनको जाना है तो ये आर्टिकल को आप जेस पे नंबर पेपर नंबर टू से रिलेट कर सकते हैं सो तो सबसे पहले न्यूज क्या है ये जान लेते हैं तो सेकंड जनवरी के अंदर यहाँ पर उस दौरान उसके ऊपर ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने यहाँ पर हाई पावर कमेटी के चेयर uh, के चेयर के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ होम जिसका नाम है नित्यानंद राय उनको यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया सॉरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ठीक है ये यहाँ से वो बैठाए गए थे तो so, कमेटी ने यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि यहाँ पर उनके जो प्रोटे यूनिक कल्चर है उस रीजन का उसको प्रोटेक्ट करेंगे इस ये कमेटी वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ की जो जियोग्राफिकल लोकेशन और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसकी कंसिड्रेशन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे कंसिडर करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एनश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड ऑल्सो स्ट्रेटेजिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट और यहाँ पर लद्दाख के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और ये सारी की सारी चीजें जो है यहां से हम लोग कर सकते हैं अगर सिक्स केड्यूल के अंदर यहां पर इंक्लूड uh, हो गए तो ठीक है या इस कमिटी का यहां पर मुख्य हेतु तो यही था तो सबसे पहली चीज यहां पर समझनी है कि उन लोगों को सिक्स केड्यूल में अंदर जाना क्यों है और यहां पर जाना है तो है एक्चुअली है तो है क्या ठीक है सो सिक्स केड्यूल अंडर आर्टिकल 244 फोर्टी फोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट दी ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन थ्रू द क्रिएशन ऑफ द ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल्स विच कैन फ्रेम लोज ऑन लैंड पब्लिक हेल्थ एग्रीकल्चर ठीक है लोज ऑन लैंड पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर को संभालने के लिए यहाँ पर सिक्स केड्यूल जो है बताता है आर्टिकल टू फोर्टी के अंदर कि उस जगह की ट्राइबल पॉपुलेशन की जो एटोनॉमी है उसको आ, बचाने के लिए उनके कल्चर को बचाने के लिए एग्रीकल्चर को हेल्थ को बचाने के लिए यहाँ पर बताया गया है ठीक है अब यहाँ पर आप लोगों को यह मैं बता दूं सिक्स केड्यूल जो है कहाँ कहाँ पर नॉर्थ स्टेट्स के अंदर है जैसे कि आसाम के अंदर है त्रिपुरा त्रिपुरा के अंदर है मेघालय के अंदर है और मिजोरम के अंदर है याद रखिएगा ए टी एम एम ठीक है यह चीज समझना है सो लेट अस डिस्कस पर्टिकुलर आर्टिकल तो ये दोस्तों आप मैप देख सकते हैं ये है लद्दाख ये है जम्मू एंड कश्मीर और ये बीच में है कारगिल ठीक है आगे बात करते हैं आ, इस आर्टिकल में जो मुख्य चीज़ जो है वो क्या है ठीक है तो पार्लियामेंट ने यहाँ पर डिमांड रेस की है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसको भारत के संविधान के छठे स्केड्यूल के अंदर सिक्स स्केड्यूल के अंदर यहाँ पर उसको इंक्लूड कर दिया जाए ऐसा यहाँ पर डिमांड किया गया है फॉर टू द गार्ड ऑफ द लैंड एम्प्लॉयमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी फॉर द लोकल पॉपुलेशन ओके सो एक्चुअली यहां पर ये डिमांड क्यों आई तो जम्मू कश्मीर एक्ट 2019 के अंदर पारित किया गया था तभी यहां पर बाई फ्यूरक बाई फॉर कैट जो हुआ था दो स्टेट्स का इंटू टू सेपरेट यूनियन टेरी एक स्टेट्स का टू सेपरेट यूनियन टेरीटरी के अंदर जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर आ, विद द लेजिस्लेचर यूनियन टेरीटरी बनी थी और लाइक लद्दाख बनी थी विदाउट द लेजिस्लेचर ठीक है तो यहां पर जम्मू कश्मीर जो है उसका एक अलग रोल था क्योंकि आर्टिकल थ्री हम लोगों ने तभी उस दौरान हटाया था ठीक है पर अभी यहां पर लद्दाख जो

जगह जो है या रीजन जो है अपने हिसाब से डिसीजन लेकर उन जगह का डेवलपमेंट कर सकते हैं ठीक हाँ है अपना डिसीजन अपने फॉर नॉर्थ ईस्टर्न जैसे कि मैंने कहा असम त्रिपुरा मेघालय एंड मिजोरम ए टी एम एम उन चार जगह पर ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर यहां पर सिक्स केड्यूल के अंदर उन लोगों को इंक्लूड किया गया है ठीक है अभी यहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का मतलब एक्चुअली है तो है क्या जो चार तरीके के जो यहां पर मैंने स्टेट्स आप लोगों को बताए उनके अंदर ट्राइबल एरियाज़ है ठीक है उसकी वजह से यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर कंस्टिट्यूट की गई है गवर्नर इज ऑल्सो एम्पावर टू ऑर्गेनाइज एंड री ऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ये चीज़ याद रखेगा सो द पावर ऑफ डायरेक्शन इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड एंड लाइज आइदर विद द प्रेसिडेंट और गवर्नर ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के थ्रू या तो गवर्नर के थ्रू हो सकती है तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझना है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट आगे बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है तो यहाँ पर तीस मेंबर की एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिठाई जाती है जिसके अंदर यहाँ पर आ, आ, फोर मेंबर जो है नॉमिनेटेड किया जाता है गवर्नर के थ्रू और बाकी के जो रिमेनिंग ट्वेंटी सिक्स है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से उसको इलेक्ट किया जाता है ट्वेंटी सिक्स लोगों को ठीक है और उसके हिसाब से पूरा का पूरा महाभारत चलता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलती है ठीक है उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ कि पावर ऑफ काउंसिल इस काउंसिल का पावर क्या होता आ, होगा तो दे ऑल्सो कैन मेक द लॉज ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर जैसे कि लैंड के लिए लॉ बनाएंगे फॉरेस्ट के लिए लॉ बना सकते हैं कैनल वाटर के लिए शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए लॉ बना सकते हैं सो so वहां पर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी मैरिज डाइवोर्स सोशल कस्टम्स ये सारा का सारा वो डिसीजन वो खुद ले सकते हैं सो बट ऑल सच लॉज रिक्वायर द असेंट ऑफ द गवर्नर ये करने के लिए उनको एक गवर्नर तो चाहिए ही चाहिए ठीक है पर यहाँ पर ट्राइबल्स एरियाज़ जो है उसी जगह पर यहाँ पर से केड्यूल के अंदर उन स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है सो दे कैन कंस्टिड्यूट विलेज काउंसिल्स और कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेज बिटवीन दी ट्राइब जो भी ट्राइब के केसेस रहेंगे उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कोर्ट बिठाई जाएगी कोर्ट को यहाँ पर खड़ा किया जाएगा ठीक है इस तरीके के यहाँ पर कहा गया है सो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑल्सो कैन एस्टेब्लिश एंड कंस्ट्रक्ट और मैनेज द प्राइमरी स्कूल ऑल्सो डिस्पेंसरीज ऑल्सो मार्केट ऑल्सो फी फेरीज फिशरीज रोड्स एंड सो ऑन इन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तो कहने का मतलब यह है कि समाज के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिले के अंदर कुछ भी अपने हिसाब से अगर डेवलपमेंट करना है उनके लिए यहाँ पर सिक्स स्केड्यूल जो है आप कर सकते हैं ठीक है पर यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर जो है ये सिक्स स्केड्यूल लागू किया गया है ठीक है मणिपुर के अंदर भी ट्राइबल एरियाज है फिर भी नहीं किया गया है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर रीजन ओके ये चीज समझना है आगे बात करते हैं नेक्स्ट uh, के भाई सिक्स स्केड्यूल के अंदर उनको इंक्लूड होने की जरूरत क्या पड़ी ठीक है सो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस रीजन के अंदर वो कंप्लीटली हैंड्स ऑन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ओके सो इज नाउ कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में ही है सो गवर्नमेंट नाउ लुक्स इवन मोर डिस्टेंट दैन श्रीनगर ठीक है तो यहां पर अभी लद्दाख कहां पर है श्रीनगर कहां पर है देर आर दर्टिकुलर डिफरेंस डिस्टेंट ओवर हीयर ओके सो द चेंज द डोमिसाइल पॉलिसी इन जम्मू कश्मीर कश्मीर हैज़ रेज फीयर्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन अबाउट इट्स ओन लैंड एम्प्लॉयमेंट एंड डेमोग्राफिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी जब भी आर्टिकल थ्री सेवेंटी दोस्तों हटा नहीं था ठीक है तभी उससे पहले हम लोग क्या आ, हम लोग कुछ परचेज नहीं कर सकते थे वहाँ अगर मतलब जम्मू कश्मीर के लोग ही उधर चीज़ें परचेस कर सकते थे लैंड परचेस कर सकते थे ठीक है इंडिया से कोई भी आकर परचेज नहीं कर सकता था पर अभी यहाँ पर इंडिया का कोई भी पर्सन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर घर खरीद सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर चेंज डेमोसैल पॉलिसी ये चीज़ समझना है

बॉडी के बारे में जिसका नाम है एन सी एस टी ठीक है एन सी एस टी एक्चुअली क्या है सो दैट इज कॉल्ड द नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स ठीक है इन इस बॉडी ने यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को सिक्स uh, केड्यूल के अंदर भारत के संविधान के सिक्स केड्यूल के अंदर डालने के लिए डिमांड की है और यहाँ पर उन्हें रिकमेंड किया है ठीक so uh, है सो एन सी एस टी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो सेफ गार्ड करती है सोशल कल्चरल राइट्स को उन स्कैड्यूल ट्राइब्स के लिए वॉज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जामिनिंग द स्टेट्यू ऑफ द ट्राइबल्स इन दी लद्दाख बाई सेंटर ये चीज याद रखेगा सो इफ इंक्लूडेड लद्दाखलीड्यूल के अंदर लद्दाख होता है तो ये एक लौती मात्र union territory होगी, ये चीज़ समझना है ठीक है सो लद्दाख वुड रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पर इंक्लूड करना है तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने ही होंगे रीजन so क्या है कि रिकमेंडेशन का क्या रीजन है तो सबसे पहले चीज लीजिए कि भाई इस बॉडी ने यहां पर रिकमेंड क्यों किया कि लद्दाख को इंक्लूड करो सिक्स के अंदर तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि नाइनटी परसेंट पॉपुलेशन जो है लद्दाख की वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है और प्राइमरी स्केड्यूल ट्राइब्स जो है वो लद्दाख के अंदर है जिनका नाम है बाल्टी बेड़ा बोटो और या और बोटो ब्रोकपा द्रोकपा दर्द शीनी छंगपा गारा मौन पूरीग्बा तो ये सारे के सारे जो है ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और लद्दाख के अंदर 90% कम नाइन्टी परसेंट पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और कई ऐसे सेवरल डिस्टिंग कल्चरल हेरिटेज भी है जो लद्दाख रीजन के अंदर जो इन कम्युनिटी के थ्रू या इन कम्युनिटी के द्वारा ही यहाँ पर बिल्डअप किए गए हैं और उस चीज़ को प्रमोट करते हैं ठीक है प्रायर टू तो द क्रिएशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख पीपल इन लद्दाख रीजन हैड सर्टेन अग्रेन अग्रेन राइट्स इंक्लूडिंग द राइट ऑन लैंड विच रिस्ट्रिक्टेड पीपल फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ़ दिस पर्टिकुलर कंट्री टू द परचेज एंड एक्वायर लैंड इन द लद्दाख ठीक है थीके? मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में बताया सो इट विल हेल्प इन द डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन ऑफ द पावर ऑल्सो अगर इंक्लूजन सिक्स केड्यूल के अंदर होता है तो तो ये उनके रीजंस है रिकमेंडेशन करने के रीजंस है कौन सी बॉडी मैंने यहां पर बताया आपको एनसीएसटी ये चीज याद रखेगा एनसीएसटी इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स सो दैट्स इज फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे पर यहां पर इस आर्टिकल के अंदर या सिक्स केड्यूल के अंदर लद्दाख को डालने के लिए कुछ डिफिकल्टी है जैसे कि अगर देखा जाए तो लद्दाख जो है सिक्स केड्यूल के अंदर डालने के लिए अंदर बहुत डिफिकल्टी है जैसे कि ने क्लियरली कहा है कि सिक्स केड्यूल इज ओनली फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट तो लद्दाख जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर कैसे आएगा ये चीज़ समझ लीजिए दूसरी चीज़ लद्दाख के यहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज है पूरे कंट्री के बाकी के कंट्री के अंदर मतलब इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर बाकी के जो रीजन है वो सारा का सारा जो ट्राइबल एरियाज है वो फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर आता है तो सिक्स स्केड्यूल के अंदर कैसे डाल सकते हैं तो कुछ अमेंडमेंट करना जरूरी होगा ठीक so, है सो नॉर्थ है नॉर्थ ईस्ट हैज़ बिन इंक्लूडेड इन दिस दिक्कथ स्केड्यूल ये चीज़ समझना है ठीक है तो आगे बात करते हैं कि मणिपुर के अंदर भी बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन जो है कई कई जगह देखने को मिल सकती है तो उन्हें उनको भी यहाँ पर सिक्स शेड्यूल के, के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है जैसे कि अगर मैं बात करूँ नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो उनको भी सिक्स शेड्यूल के, के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है उनकी टोटल ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ठीक है आगे बात करते हैं कि रिमेन्स द प्रोप ऑफ द गवर्नमेंट इट कैन इफ इट इज सो डिसाइड्स ब्रिंग टू ब्रिंग अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर अगर यहाँ पर हमें सिक्स स्केड्यूल के अंदर लद्दाख को डालना है तो यहाँ पर बिल पास करना होगा अमेंडमेंट करना होगा उसके बाद ही हो सकता है और अमेंडमेंट होने के बाद ही सारी की सारी प्रोसेस आगे बढ़ सकती है और तो ही यहाँ पर लद्दाख जो है सिक्स स्केड्यूल के अंदर डाला जा सकता है अदरवाइज नहीं आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे सो लेट अस इस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल सो ये आर्टिकल आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा सो so, थैंक्स टू यू गाइज के आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ ये आर्टिकल को सुना आगे बात करते हैं प्लीज वेट 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 सो दिस वन ओके सो इंडिया ट्राइड टू डिफ्यूज झापोर झापोर जिया न्यूक्लियर प्लांट सिचुएशंस जयशंकर जी तो जयशंकर जी ने यहाँ पर एक डायप्रेस न्यूज़पेपर के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनका अच्छे तरीके से रिप्लाई दिया जयशंकर साहब जी ने ठीक है ये चीज़ समझना है और ये जो जापोर्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है यूक्रेन के अंदर स्टे है ये चीज़ आप लोगों को समझना है तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग जो भी डील की गई थी ठीक है मॉस रशिया और यूक्रेन के बीच में क्योंकि रशिया का जो एक प्रॉपर टारगेट जो था न, वो कही ना वो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता था क्योंकि यूक्रेन के अंदर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को कुछ डैमेज होता तो सिचुएशन और बिगड़ सकती थी सो so, यहाँ पर क्वाइटली हेल्प इन दिस पर्टिकुलर ग्रीन डील बिटवीन द मॉस्को एंड द क्यू एक्शन ऑफेंस मिनिस्टर जयशंकर जी सेड सो इन एन इंटरव्यू ऑस्ट्रेलियाज डाई प्रेस न्यूज पेपर मिस्टर जयशंकर जी विल रिप्लाइंग टू क्वेश्चन ऑन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट Indicated uh, India's um, readiness. to contribute towards the diffusing the situation, जिस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए भारत ने भी काफ़ी हद तक मेहनत करी है उनका ये कहना है और उन्होंने रशिया यूक्रेन का जो भी कॉन्फ्लिक्ट था और इंडिया का क्या रोल था उसके बारे में अच्छी तरीके से बताया था न्यूज़ पेपर के अंदर ठीक है अभी बात करते हैं इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में ठीक है सो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पूरा का पूरा मैप है यूक्रेन का है ये है रशिया और ये जो पूरा मैप है वो है यूक्रेन और यह उनकी केपिटल है ठीक है और ये क्रीमिया है सो दैट इज़ एन कर लिया था, पर पर ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन के अंदर उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सो वेर इज दलियर पावर प्लांट लोकेटेड ठीक है सो देपर रिवर की किनारे उनका लोकेशन आप लोग देख सकते हैं 200 किलोमीटर के करीब करीब जहां पर डॉनबास रीजन के अंदर जब भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसी जगह पर यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनका नाम है जापोरजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट सो so, रशिया बैग्ड सेपरेटेरिस्ट एंड यूक्रेन फोर्सेज हैव हाँ बिन फाइटिंग ओवर हियर तो उसके आसपास पास ही दोनों लड़ रहे थे ठीक है सो जापोरजिया इज़ वन ऑफ द फोर ऑपरेटिंग एन एशिया का सबसे uh, हम लोग कह सकते हैं बड़ा जापोरजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जाता है ये चीज़ समझ लीजिए

फाइव के दौरान जो उनकी कैपेसिटी है वन थाउजेंड की की इलेक्ट्रिकसिटी ग्रोस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी यहाँ पर देखी जा सकती है वन थाउजेंड की ठीक है आगे बात करते हैं इसी जापुरजिया के बारे में कि यूक्रेन साउथ ईस्ट का यहाँ पर माना जा सकता है यूक्रेन साउथ ईस्ट द हाउस द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप यूरोप के अंदर सॉरी यूरोप के अंदर सबसे बड़ा पावर प्लांट जो माना जाता है वो झापुरजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये चीज़ याद रखेगा सो इट इज़ अबाउट द फोर्टी किलोमीटर अप टू द बैंक ऑफ द रिवर डेनिपर रिवर ठीक है उसके 40 किलोमीटर ही दूर यहाँ पर ये यह पावर प्लांट स्थित है जिसके अंदर 15 रिएक्टर्स हैं स्टेशंस के अंदर जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 5,700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की है पर अभी यहाँ पर धीरे धीरे वो कैपेसिटी बढ़ने वाली है ठीक है सो न्यूक्लियर एनर्जी कैटर्स टू अबाउट द हाफ ऑफ द यूक्रेन पावर डिमांड यूक्रेन पावर की जो आधी डिमांड जो है यही प्लांट कंप्लीट करता है ये चीज़ समझना है सेफ्टी uh, की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए हाउ एवर इट इज हाउ एवर इट इज़ अनक्लियर हाव द रिएक्टर्स वुड फेस आप द पावरफुल बॉम्ब और मिसाइल अटैक्स ठीक है उसके बारे में अभी कहीं पर कहा नहीं गया है पर ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि यही एक रिसेंट इश्यू है कि जब भी यहाँ पर कोई मोटर अटेक्ट होगा या कोई सी पार न्यूक्लियर स्टेशन के अंदर अगर कोई पार्ट डैमेज होगा तो यहाँ पर क्या हम लोग कर सकते हैं सो दैट इज़ अ स्पैक्टर ऑफ न्यूक्लियर डिज़ास्टर तो यहाँ पर न्यूक्लियर uh, डिज़ास्टर होने के चांसेस है सो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है कि इस सिचुएशन को हम लोग एक्सट्रीमली वोल्टाइल एंड अच्छी तरीके से उसको समझे और यहां पर जो बॉम्ब द रिएक्टर टू ट्रिगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन उसको यहां पर हम लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं ठीक है आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में सो दिस आर्टिकल इज डन डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन सो एसिड अटैक्ट विक्टिम्स फेल्ड बाई लैक ऑफ कोहेज लो लीगल प्रोसेस ठीक है अभी दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि एसिड अटैक जो एक्चुअली है तो है क्या और उसके क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं ठीक है सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन सो दोस्तों एसिड अटैक आप लोगों ने देखा होगा कि मूवीज़ में भी देखा होगा कि आ, अगर कोई लड़का लड़की को प्यार करता है और उसके बाद यहाँ पर लड़की अगर कोई भी रीजन्स मना कर देती है तो गुस्से में आकर या किसी इमोशंस में आकर यहाँ पर एसिड अटैक छिड़का जाता है ये तो मूवी की बात हुई पर जनरली अगर देखा जाए तो एसिड अटैक सिर्फ लड़कियों के ऊपर नहीं होता है कहीं ना कहीं यहां पर लड़कों के ऊपर बच्चों के ऊपर भी किया जाता है यह चीज आप लोगों को यहां पर समझनी है ठीक है आगे डिस्कस करते हैं एसिड अटैक इन इंडिया इज पर्टिकुलर सो की जो यहाँ पर डिटेल दी गई है एनसीआरबी सो एनसीआरबी जो उसके रिगार्डिंग जो डेटा दिया गया है उसके अंदर अगर मैं बात करूं आर so, दर जो 2019 के अंदर रिकॉर्ड किए गए थे 2020 के अंदर 105 और दो 2021 के अंदर 102 केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए हैं वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर आ, सबसे ज्यादा केसेस को रिकॉर्ड किया गया है ये चीज समझ लीजिए कंट्री का एक साल के अंदर कंट्री का पचास प्रतिशत जो केसेज जो है इसी दो स्टेट से रिकॉर्ड किए गए हैं वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश से आ, चार सीटिंग रेट जो है सी अटैक का यहाँ पर 83 परसेंट के आसपास निकल कर आता है और 2019 के अंदर 54 परसेंट के करीब करीब यहाँ पर कन्विक्शन रेट देखने को मिल सकता है तो आप समझ सकते हैं कि रेट बड़ा है ठीक है 2020 के अंदर अगर देखा जाए तो एट्टी सिक्स परसेंट उसके बाद 2021 के अंदर ये थोड़ा आंकड़ा कम हुआ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोरोना सिचुएशन तो कोरोना सिचुएशन में ट्रैवलिज्म ट्रैवल था नहीं टूरिज़्म था नहीं तो यहाँ पर केसेस थोड़े उसकी वजह से कम हो चुके हैं या कोरोना की वजह से कम हो चुके होते हैं ऐसा हम लोग मान सकते दो हजार पंद्रह के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ चीजें इशू की रिगार्डिंग दी एन एडवाइजरी टू ऑल स्टेट्स टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस इन केसेज ऑफ एसिड अटैक्स बाई एक्सपेंडिटिंग प्रोसिक्यूशन ठीक है यहां पर असही और सटीक और स्पीड में डिसीजन लेने की ज़रूरत है ऐसा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2015 के रिगार्डिंग कहा और उनको जल्दी जो है न्याय मिलना चाहिए ऐसे अटैक के रिगार्डिंग ठीक है आगे बात करते हैं 2017 के अंदर आप देख सकते हैं 359 केसेस थे केसेज थे टोटल केसेस फॉर ट्रायल 359 2021 के अंदर ये चीज़ बढ़ गए 600 हो गए ठीक है सो 2017 के अंदर केसेस ऑफ एसिड एक्ट रिपोर्टेड 2021 के अंदर यहां पर 176 के आसपास यहां पर आंकड़ा देखने को मिल सकता था ठीक है ये चीज़ आप लोगों को यहां पर समझनी है आगे बात करते हैं उनके रेगुलेशन ऑफ एसिड सेल्स के बारे में कि अगर आपको एसिड बेचना है तो क्या क्या रेगुलेशन होना हो हो सकता है और क्या क्या यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए तो ही आप एसिड बेच सकते हैं सो so दो के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुगनी uh, कुगनी जेंस ऑफ एसिड अटैक्स एंड पास ऑर्डर ऑन द रेगुलेशन ऑफ द सेल्स ऑफ सब्सटेंस कोरोस्टेंस सब्सटेंस जो है उनके सेल्स के लिए कुछ रेगुलेशन बनाए मॉडल पॉइजन पोज़िशन एंड सेल्स रूल टू थाउजेंड थर्टीन के अंदर भी यहां पर कहा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस तरीके के जो रेगुलेट इस तरीके के जो एसिड सेल्स हैं उसके लिए रूल्स फ्रेम किए गए हैं अंडर दी पॉइजन्स एक्ट 2000 अंडर दी पॉइजन्स एक्ट 1919 के अंदर और हर एक स्टेट्स को ये लागू किए गए हैं ये चीज़ समझना है और उसके बाद यहाँ पर लॉग बुक और रजिस्टर करना होगा एसिड अगर आपके पास है अगर आपको बेचना है तो ये चीज़ समझनी होगी अगर आपको एसिड खरीदना है तो यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी का आइडेंटिटी कार्ड चाहिए ठीक है बायर प्रोड्यूस अ फ़ोटो आई एंड कंटेनिंग हिज एड्रेस इशूड बाई दी गवर्नमेंट ठीक है तो ये चीज आप लोगों को समझनी है क्यों चाहिए क्यों चाहिए किस लिए चाहिए सारा का सारा स्पेसिफिक रीजन देना होगा आ, ये चीज आप लोगों को समझना है कि बेचने वाले को भी और लेने वाले को भी ठीक है आगे बात करते हैं कि बायर मस्ट ऑल्सो प्रू ही और सी इज अबाउ एटीन ईयर्स अगर कोई भी बायर मतलब कोई भी पर्सन अगर एसिड खरीदता है तो उसकी एज जो है अठारह साल के ऊपर अठारह साल या अठारह साल से ऊपर होनी चाहिए ये चीज समझनी है सेलर आर रिक्वायर्ड डिक्लेयर ऑल स्टॉक्स ऑफ एसिड कितना स्टॉक उसके पास है कितने एम उसके मिलीलीटर कितना उसके पास है ये सारा का सारा लेखा जोखा है गवर्नमेंट के पास यहां पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है एसडीएम की ऑफिस के अंदर पर पंद्रह दिन के अंदर सबमिट करना होगा और उसके बाद यहां पर इन केस ऑफ अनडिक्लेय स्टॉक ऑफ एसिड अगर वहाँ पर आ, कुछ स्टॉक डिक्लेयर नहीं किया गया तो यहाँ पर एस डी एम के थ्रू कार्यवाही की जा सकती है ठीक है एस डी एम एंड कैन कन्फिस्केट द स्टॉक एंड सीटेबल इम्पोज अ फाइन अप टू फिफ्टी थाउजेंड फॉर अ ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्शन जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पर अगर कुछ पनिशमेंट के हिसाब से अगर कुछ बात हुई तो पचास हज़ार का जैसा फाइन यहाँ पर लग सकता है ये चीज़ याद रखिएगा कुछ रूल्स है द रूल्स आस्क एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रिसर्च लेबोरेटरीज हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो उसके अंदर यहाँ पर जो है आप लोगों को एसिड जो है अलाउ किया गया है पर एक प्रॉपर मात्रा के अंदर और उसकी स्टोर एसिड कैपेसिटी के हिसाब से ये चीज़ जाता है सो टू मेनटेन रजिस्टर ऑफ यूज ऑफ एसिड एंड फाइल द सेम विद विध कंसर्ट एंड एस डी एम ये चीज़ आप लोगों को समझनी है तो ऐसे ही नहीं मिल जाता लेबोरेटरी के अंदर ठीक है उनको यहाँ पर एस डी एम के थ्रफ

ऑफिसर रिफ्यूजिंग रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर एन एफ आई आर और रिकॉर्ड एनी पीस ऑफ एविडेंस ठीक है यहां पर जो है अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो अगर एफ लॉन्च करने के लिए मना करते हैं या रजिस्टर करने के लिए मना करते हैं अगर कोई भी एविडेंस के तौर पर तो यहाँ पर उसके ऊपर भी कार्यवाही की जा सकती है ठीक है सो पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट ऑफ टू टू इयर्स ये चीज़ भी याद रखेगा अगर कोई पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पर इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया या यहाँ पर कार्यवाही नहीं की तो यहाँ पर उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से अगर नहीं निभाई